हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ साथ पुरुष और महिला दोनों को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि महिलाएं अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर से ही उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम सताने लगती है। जैसे कि कभी कभी उन्हें PMS की समस्या हो जाती है, पीरियड्स की समस्या तो होती ही है, इसी वजह से वो अपने आप को और अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से ढाल लेती हैं कि बुढ़ापे में आने वाली समस्या को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना उन्हें आ जाता है। लेकिन पुरुषों के लिए चीजें बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि गठिया की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी भी पुरुषों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी जितनी महिला में देखी जाती है उससे कई ज्यादा पुरुषों में देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए काफी चीजें करती हैं, लेकिन पुरुषों के पास इतना समय नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद आप बहुत ज्यादा बीमार ना पड़े, तो आपको आज से ही फोकस करने की जरूरत है अपनी तबीयत के ऊपर। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिए, जबान को एक साइड रखे, ऐसे खाने का सेवन मत करिए जो आपकी जबान को संतुष्ट करे, ऐसे खाने का सेवन करिए जो आपकी सेहत को संतुष्ट करे। फाइबर से युक्त खाना ज्यादा से ज्यादा खाइए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए और योगासन पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आप लंबी उम्र तक बिना बीमारी के आसानी से और सुखी पूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।